हेलो पीपल, वेलकम बैक टू ऐसे दिल्ली व्लॉग। भाई आज हम आए हैं एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में। यहाँ करने वाले हैं बहुत धमाल और फाड़ने वाले पंडित जी की आज। आज पहली बार पंडित जी की फटने वाली है, क्योंकि आज मैं पन्नी लेके आया हूँ। अब किस लिए बाद में जानने। अब पन्नी पिछवाड़े में लगाओगे फटने से तब भी नहीं बच पाएगा। तो आज होने वाला है धमाल भाई, क्योंकि पंडित जी झूले नहीं लेते ना, मैं लेता हूँ। दोनों भाई मिलके आज सारे झूले लेने वाले हैं और खूब उल्टी करने वाले हैं। तो पन्नी उल्टी करने के लिए लेके आए हैं भाई। तो अगर आप लोग भी एडवेंचर आइलैंड आने वाले हो तो भाई पन्नी का इंतजाम करके आना। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को शुरू और करते हैं खूब सारा धमाल। और इस ब्लॉग को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई एडवेंचर आइलैंड की टिकट मैंने ले ली है और ये 500-500 रुपए की पड़ी है और वीकेंड्स पे आपको 600 रुपए की मिलने वाली है। और अंदर पूल या पानी में जाने के लिए वहाँ पे बकेट एरिया है, वाटर बकेट एरिया, उसके 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा अंदर ही देने पड़ते हैं। तो ये थे यहाँ के कुछ प्राइजेस। तो यहाँ पे 30 रुपए में बाइक पार्क कर सकते हैं, 50 रुपए में अपनी कार पार्क कर सकते हैं। तो ये थे यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस। और ये रहा यहाँ का मेन एडवेंचर आइलैंड की एंट्री। वो और यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर लोग देखने को बहुत मिलते हैं भाई। तो अगर सुंदरता के शौकीन है तो यहाँ आ सकते हैं आप एडवेंचर आइलैंड में। फुहारे लगे हुए हैं यहाँ पे, फुहारों के सामने बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, सुंदर सुंदर लोग फोटो खींचते हैं भाई। ओ पंडित जी तुम सुंदर नहीं हो, अरे नीचे आओ, सुंदर लोगों के लिए जगह ही है, सुंदर के लिए, सुंदर लोगों के लिए जगह है। तो भाई अब हमने ले लिया एक्वा बम्प की टिकट। ये स्विमिंग पूल समझ लो, फुहारे वाला स्विमिंग पूल, और 100-100 रुपए का पर पर्सन का चार्जेस अलग से एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको इसका। तो ले लिया, चलते हैं अभी एक्वा बम्प के अंदर भाई। तो आज भाई नहाने भी वाले हैं, मतलब मिनी वाटर पार्क में मजे लेने वाले हैं। इससे पहले यहाँ के स्विमिंग पूल में कभी नहीं गया हूँ, पहली बार स्विमिंग पूल में भी जाऊँगा। नहा नहा के झूल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल? नहा नहा के नहीं झूल सकते भाई, गिर गया। तो अभी ऐसे बकेट में हम भी जाएंगे भाई। ऊपर से लगभग 1000 किलो पानी, मतलब कितना होता होगा ये? 2000 लीटर पानी ऊपर अपने ऊपर झेलेंगे। तो भाई यहाँ पे लेना पड़ता है कॉस्ट्यूम, और कॉस्ट्यूम के प्राइजेस हैं 100 रुपए का शॉर्ट्स है, 100 रुपए का टी शर्ट है, और वन पीस महिलाओं के लिए लेते हैं तो 200 रुपए का पड़ने वाला है। और अब चलता हूँ आपको लॉकर के प्राइस बताता हूँ भाई। लॉकर भी लेना पड़ता है यहाँ पे नहाने के लिए। तो लॉकर के प्राइस हैं 200 रुपए का लॉकर है, 200 रुपए डिपॉजिट लगता है जो कि बाद में वापस होगा, यानी 400 रुपए आपको देने पड़ते हैं एक लॉकर के। तो ये था लॉकर का प्राइस। और यहाँ पे ये हैं अपने लॉकर। किधर है पंडित जी, खोलो खोलो, कौन सा है अपना लॉकर? क्या खोला है तुमने? लॉकर खोलने की बात कर रहा हूँ। हाँ चड्डी भी उतारो अपनी, चड्डी भी उतारो। हाँ क्योंकि भाई साहब फुल पैंट पहन के नहीं जाना, नहाने के लिए हाफ पैंट पहन के जाना पड़ता है। जिम कर रहा हूँ तो वैसे भी शर्ट लाने की बारी आ रही है। आप बॉडी दिखाएंगे भाई, आज अपने साथ प्रांजल भाई है, अब इनकी भी चड्डी उतार के भेजेंगे इनको नहाने के लिए। तो लो भाई एक भैया मिल गए हमारे सब्सक्राइबर भाई। हाय, कैसा लग रहा है भाई यहाँ पे? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, भाई की वीडियो देख के आए हैं यहाँ पे। कपड़े उतार के नहाते हो? कपड़े पहन के? कपड़े पहन के, अरे अलग लॉकर में बाकी कपड़े रख रखे। और मेरी बनियान कैसी लग रही है आपको? फिलहाल भैया बिल्कुल मेरे साथ का असर है, इतना आरामी हो गया है। पंडित जी गेट रेडी। पानी की डेप्थ जो है 3 फीट से आपको इंजरी हो सकती है, पानी की डेप्थ जो है वो 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 बम्प वाटर वाले एरिया से आ गए हैं आप दूसरे सेक्शन में, जहाँ पे आपको मिलेगा बकेट एरिया। और सब वाटर वाले सेक्शन में गए इसलिए यहाँ भीड़ कम है। हाँ थोड़ी देर में क्राउड जब तक इधर आएगा तब तक हम मजे कर लेंगे। बस वो 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 जादो पानी इनका कहाँ से निकल रहा है? तो भाई पंडित जी ने एक टास्क दिया, अगर आप लोग भी बैठ जाएंगे 100 रुपए इनाम है।
इसके ऊपर बैठना है लेकिन जींस की पैंट पहन के नहीं, नॉर्मल चड्डी पहन के बैठना है। अब बैठ रहे हैं। नहीं 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 पंडित जी के पिछवाड़े में बहुत दम है भाई, इन्होंने इतना पानी रोक लिया, समरसिबल खत रोक दिया इन्होंने। पंडित जी पिछवाड़े से धार छोड़ रहे हैं भाई, इतना पानी रोक लिया था इन्होंने। ओ भाई मजा आ गया भाई। ओ भाई बहुत ज्यादा, 2000 लीटर गिरता है ऊपर से। जबरदस्त। तो दोस्तों पानी वाले मजे, जितने झरने थे, जितने बकेट था, सब हमने मजा कर लिया। स्विमिंग पूल एरिया में जाके हमने खूब धमाल कर लिया। तो अब चलते हैं आपको झूले वाले सेक्शन में लेके, और मजे करने वाले हैं और पंडित जी की फाड़ने वाले हैं भाई, उल्टी करने वाले मजे पंडित जी कह रहे हैं उल्टी करने वाले, क्योंकि हम भाई झूलते हैं। जाने का मूड नहीं था, वो तो अतुल ने बोला है चलना है तो चलना है, इसलिए चलना है। टास्क है टास्क है, अगर आज ये पास हो गए तो इनको खूब दबा के चिकन पास। क्या चला तो जाऊंगा मैं, चिकन खाने लायक बचूंगा ही नहीं आज। तो भाई अब चलने वाले हैं झूले लेने के लिए। पहला यहाँ पे रॉकिंग टक दिख रहा है, रॉकिंग टक लेंगे पंडित जी? रॉकिंग टक ये बेसिक था दिख रहा है, इधर दिखाओ कैमरा। आज इन्होंने मुझको चैलेंज किया था, मैं पक्का बोल रहा हूँ लास्ट में यही अतुल भाई बोलने वाले हैं कि अब बस करो यानी ये मेरी फाड़ने वाले भाई, अब बस करो। मन बना के बैठे हैं, उल्टी कर देंगे मगर करवा के रहेंगे उल्टी मेरी भी, उल्टी दूसरे को करोगे तो अगर ऊपर करेंगे तो बिखरता नहलाएंगे उल्टियों से ऊपर बिखरता हुआ जाएगा एकदम। सर्कुलर उल्टी नहीं, सर्कुलर उल्टी, रेक्टेंगुलर उल्टी। जनरल एक्सेस है झूला, रॉकिंग टग। ये झूला जनरल एक्सेस झूला है, जनरल एक्सेस नहीं है भाई। हाँ रॉकिंग टग में आ गए हैं, देखो कितना रॉक करता है ये रॉकिंग टग टग। ये बंद भी कर दी क्या, ये क्यों है? बस ऐसे बंद कर लो। तेरा क्या होगा कालिए, बड़े वाले होगा जो ये कालिए नहीं, रंग भेद नहीं करने का भाई, कालिए नाम होता है। वो उड़ा दो, रोड तोड़ दो, वो इसके बाद ट्रेन में ऐसे दिल तोड़ के हंसती हो मेरा दूर खड़े होके, पास तो आना चाहिए था एटलीस्ट। अच्छा लग रहा है, बच्चों को नहीं डर लगता क्यों तुम? तो बचपन से डरता हूँ। ये झूला था जनरल एक्सेस, झूला कुछ ना, ये बहुत बकवास है, खेलता बहुत छोटा झूला था, मतलब इसमें तुम भाई की भी नहीं फटी तो और किसी क्या फटेगी। हम कब से वेट कर रहे थे भैया, लेकिन क्या करें हम अकेले ही झूल के चले आए। सोचा था कि कोई साथ झूलेगा, लेकिन इस गरीब पे कोई तरस नहीं करता। तो भाई ये है ट्रेन, और बच्चों वाली ट्रेन है, यहाँ पे मस्त बैठ के छुक 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 जंगल सफारी के लिए जा सकते हैं। चलो चलो दोस्तों, अभी अतुल भाई किसमें फटने वाली है? इंजीनियर साहब कह रहे हैं मैं चलाऊंगा। चलानी है भाई, तुम इंजीनियर हो, ड्राइवर नहीं, वहाँ बटन है, तुम ये बोलो मुझे बनानी है, चलानी नहीं है। चले पापा पापा चुक 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 चुक। भाई इस ट्रेन को देखने में बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छी मुड़ती है, देखो भी मुड़ेगी मुड़ेगी मुड़ेगी, जंगल सफारी, शेर शेर, टाइगर टाइगर, चीता चीता, हाथी हाथी, कहाँ? अरे सब चले गए। ओ देखो कितना अच्छा मुड़ रही है, टर्निंग बड़ा अच्छा इसका। यू ओ भाई साहब बड़ा मजेदार है, बड़ा तो उल्टी आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है, इसमें कहाँ से आएगी? अच्छा नहीं मजाक कर रहा था धूमधाम से फिरने आ गई भाई। ट्रेन एक ऐसी गाड़ी है जिसमें मुझे उल्टी नहीं आती है। अगला स्टेशन हाउस खाप है, कृपया छेद का ध्यान रख के, माइंड द गैप, माइंड द गैप। तो ये है बच्चों वाला बंप कार, है ना, बच्चों वाला बंप कार।
अगर छोटे बच्चे 10 साल से कम के आते हैं तो बच्चे वाला बम्प कार लेंगे, और अभी हमारे जैसे बड़े बच्चे चलने वाले हैं बड़ा वाला बम्प कार लेने के लिए। ये बच्चों का बम्प कार हो तो हम जा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का बम्प कार है। हम बड़े वाले बम्प में बम्प करेंगे, बम करेंगे, बम बोले, बम लहरी। चलो इधर वॉशरूम है, इधर वॉशरूम है, वॉशरूम जा सकते हैं। इसने फुल प्लान बनाया होगा कि भाई नहा के पूरे झूले ऐसे ही ले लेंगे। हमारा प्लान तो ऐसा ही था, कुछ लेने नहीं दिया। जो भगा दिया गया इनको वापस जा रहे हैं चेंज करने। भाई झूले का नाम क्या है? एयरफोर्स, जेट फोर्स। अच्छा जेट फोर्स है, थोड़ी देर में बिना चिल्लाए ऐसी आवाज अपने आप आने वाली है। कहाँ कहाँ से आवाज नहीं निकलेगी? ओसिन माय गॉड, ये ऊपर आ गए। गए ऊपर गए। गांव में बहुत पटो हुआ भाई, तुम नीचे ऊपर से एक बार में नीचे, एक बार में नीचे करो भाई। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। आया मजा भाई, धमाके। ये झूला सही में डिसेंट था, इसको मैं 2-3 घंटे ले सकता हूँ। धमाकेदार था, ये उल्टीदार नहीं था, धमाकेदार था। उल्टीदार वो है। अरे भाई वो नचाता भी। कार चलाने, ये बड़ा वाली कार है भाई। तो यहाँ लाइन थोड़ी सी लगी है, लाइन आगे गई तो इन भैया ने कुछ लोगों को रोक दिया। जब इन्होंने कुछ लोगों को रोक दिया तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कम से कम 3 पे 2 तो हैं। ये देखो इन्होंने धोखा कर दिया, अब हमको अकेले भेजेंगे, सिंगल। सपोर्ट तो था भाई। हाँ यार, मतलब हम लौटे क्या लड़ेंगे अब हम तीनों को, अब भाई भी बोला है आपस में लड़ जाना। तो दोस्तों फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली। ओ भाई घंटी बजा तो हो गया, बजा तो हो गया। बंद ही नहीं कर रहा, जल्दी बंद करो, जल्दी हम जाए, बंद हो जाए। यहाँ सारे के सारे प्रो हैं, एक पे एक बैठेगा बस। अगर हम 2 पे 1 बैठ सकेंगे तो वो भी बैठेंगे, लेकिन 1 पे 2 नहीं बैठेंगे। अगर तुम 2 पे बैठोगे तो बीच वालों को मजा आ जाएगा जो गुजरे। क्यों? सब दिखेगा ना। तो भैया सीट बेल्ट हमने लगा ली है और अपनी गाड़ी तैयार है। वो फुल स्पीड, फुल पावर। वो भगवान ने ज्यादा सुन लिया भाई, कई सारे सुंदर लोग हैं अब। अरे भाई, वो भाई 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 मेरी कार। चले 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 चले, भागो 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 भागो, लॉन्ग रन लेनी है, एक लॉन्ग रन। वो बम 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 बम, चलो खत्म। टाइम अप। नहीं इतना ही रहता है, एक ही बार चलाने देंगे। बल्ले बल्ले टाइम आउट क्यों?
टाइम आउट अतुल के लिए, क्योंकि इनकी फटने वाली थी एकदम जस्ट एकदम, उसको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करता, कौन सा पॉइंट एकदम लास्ट वाला पॉइंट जहाँ से फटना स्टार्ट होता है और बचा हुआ पूरा होता है। चलो बहुत बोल दिया, उस पॉइंट तक अतुल पहुंच चलते हैं, अब इनकी फाड़ने चलते हैं इस वाले में। बाहर कुछ ना होगा तेरा क्या राइड वंडर यार, मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसमें से वापस भी जिंदा आऊंगा। सबसे खतरनाक राइड यही है यहाँ की। मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरे आसपास जो बैठे होंगे वो भाई ये उल्टी उल्टी वाला सीन कर देंगे। ये देखो ये दिखा देते हैं पंडित जी, क्या करोगे क्या यार इसे? हाँ करेंगे यार, बहुत खतरनाक करेंगे। ये देखो ये फट जाने वाली है इसमें भाई। भाई किसकी नहीं फटती वो बताए कमेंट करके, बाकी फटेगी तो सबकी, मुझे इतना पता है। कौन सा वो महापुरुष है जिसको इसमें मजा आने वाला है? इसमें फटने वाला कुछ नहीं है ऐसा। हाँ एकदम उल्टा कर रहा है क्या ये? नहीं करता। देखो कहाँ तक जाएगा ये? नहीं नहीं उल्टा, ये 180 जाता है 180। और एक तो गोल गोल घूम रहा है ना, मूड तो ये खराब कर देगा। टूट गया तो क्या होगा, बस खत्म। भाई ये खतरनाक है। ना ना ये हमारे बस की नहीं है, हमने बहुत सोचा था मगर भाई ऑफ कैमरा ये क्या डिसीजन कर रहे हैं, करना नहीं है ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं होगा, करना है। नहीं भाई करना है, करना ये दिमाग खराब कर देगा, मैं बाहर से मेरे चक्कर आ रहा है। नहीं नहीं करना है भाई, नहीं बैठ पाऊंगा भाई। नहीं अरे चलो ना, ना कभी नहीं किया हम लोगों ने, आज इसीलिए आए थे करने के लिए ना। चलो हाँ मगर नहीं कर पाएंगे, करेंगे करेंगे चलो। ये होता है पतला होने का फायदा, ये होता है पतला होने का फायदा। ये बिल्ली की तरह निकल के आई है, जैसे बिल्ली पतली होकर निकल जाती है ना वैसे। हाँ भाई लड़कियों में कैपेसिटी तो बहुत होती है पतला होने की, तो बिल्ली भी तो महिला ही है। तो हमारे मित्र अतुल जी जा रहे हैं अपनी हर वाले बैठ बैठे नहीं बैठ पाएंगे ना। अतुल भाई जमीन खिसक रही है, जमीन खिसक रही है, जमीन नीचे जा रही है पंडित जी। सही में? अरे यार यहाँ बहुत जगह है, बहुत तेज पेट दब गया भाई। ये भाई पंडित जी का पेट दब गया और मेरी हालत खराब है यार। पंडित जी का पेट दब गया, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अरे बहुत डर लग रही है भाई। भाई चली 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 भाई चली भाई चली चली रे चली, देखो प्यार की गली भाई भाई, बस थोड़ा सा करके रोक लेना यार, थोड़ा सा थोड़ा सा। क्या कहा था? सीट बेल्ट लगाओ, ये सीट बेल्ट लगाओ, ये बंद लगा लो, सीट बेल्ट लगा लो, ये लो लग गया भाई, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। ये चली चली गोल 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 गोल। अरे भाई 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 जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम श्री राम जानकी जय। और मेरा की मुँह से गाली निकल जाएगी, रोक ले रोक ले रोक ले, मैं गाली चेहरा लाल हो गया भाई, भाई खून फेंक देता इधर, उल्टी नहीं होती खून फेंकता मैं। ओ भाई बहुत ऊपर था, मौसम खराब है, मौसम खराब है भाई। अगर आपको चक्कर आता है तो कृपया इस झूले में ना आए, नहीं तो फट जाने वाली। इतना खतरनाक नहीं है, अब मुझे उल्टी नहीं हुई मतलब सबको नहीं हुई।
बहुत बुरा था, बहुत बुरा, बहुत हालत खराब हो गई, ऊपर गया था आज का तीन चक्कर बहुत मजा आया। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूं, मुझे हमेशा झूलों से डर लगता है, आज तक कोई झूला नहीं लिया मैंने। रिवील कर दिया इसे डेली व्लॉग, आज तक का रिकॉर्ड रहा झूला नहीं लिया ना, तो मेरे ऊपर आएगी, मुझे मिले मेरा आवाज लिया एक दो बार मेरे उल्टी हो जाती है मुझे भी। तो भैया सामने है रेस्टोरेंट और पिंड बलूची वालों से इन्होंने अपना टाई अप कर रखा है और यहाँ पे आपको खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। बस खाना थोड़ा महंगा है, लगभग 500-700 रुपए से स्टार्टिंग है, तो अपने बजट में देख लेना। बाकी चलते हैं अब आगे की तरफ अगला झूला लेने के लिए। और यहाँ जोड़ों के साथ आओगे तो ज़्यादा मज़ा आता है, देखो जोड़ों के साथ लोग आते हैं सभी। ब्रेकर ब्रेकर लो भाई, बैठ गए पंडित जी, क्या कर रहे हो? मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये भाई पंडित जी ने अपनी शर्ट बचाने की तैयारी कर ली है, मैं सोच रहा हूँ क्या है? मैं भी उतार लूँ क्या? साला कुछ अलग ही सीन बने। तो भाई तैयार हैं, जा रहे हैं गीले होने के लिए। ये देखो अपनी नाव बहती हुई जा रही है पानी में, बहुत तेज फ्लो है पानी का, हाँ फ्लो बहुत ज़्यादा है और इसी में हम गीले होने वाले हैं। तो भाई चढ़ाई करने वाले हैं, लो चढ़े कटा। अरे यार डर लग रहा है, डर लग रहा है। गए पानी में, गए पानी में, सारा कपड़ा भीगेगा, सारा कपड़ा भीगेगा, सारा कपड़ा भीगेगा, 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 भीगेगा। अबे ये क्या चाहते थे, क्या चाहते थे भाई, सब गीला हो गया। पता पता था फिर भी चले आए, पता था फिर भी चले आए, कुछ नहीं बचा, बर्बाद हो गए। अरे वो छोड़ो, जूते में भी पानी चला गया भाई, अच्छी बात तो ये चढ़ी 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 चढ़ी। भैया एक्स्ट्रा कपड़े तौलिया सब तैयारी करके आना, नहीं तो यही हाल होने वाला है। अब गीले गीले कहाँ तक जाएंगे यार, ये आ चुके हैं। देखो यहाँ से पूरा एडवेंचर आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। अगर ये फेल हो जाएगी तो क्या होगा, बस सब टूट जाएगा, हम मरेंगे बच्चे। चले 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 गया, फिर भी नहीं बता पाए। सब भीग गए अबे, एकदम 100% बर्बाद, पैसा बर्बाद। निकल निकल के दिल से आ तड़प रही है, मानवी सोनम धोखा, निकल निकल के दिल से आ तड़प रही है, धोखा कर पे, गद्दारी कर पे हमसे, इसी बात पे एक बार फिर चल लो तुम भाई। ना ना भाई, चल अब तो भी नहीं करना, आओगे क्या अब? तो दोस्तों सबसे मज़ेदार पार्ट भी यही होता है और सबसे दुखदाई भी यही होता है, क्योंकि सारे कपड़े आपके गीले हो जाते हैं। बाकी हमको बहुत मज़ा आया, ये स्प्लैश वाला पार्ट जरूर आप, इनको बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने बोला था गीले कपड़े पहन के चल लो, नहीं आया, इसलिए इनको मज़ा आया कि कपड़े गीले हो गए। लो भाई बैठ गए भाई, ये लाफिंग वाला एक झूला है, मतलब बहुत एकदम नहीं हंसूंगा, बहुत हंसी आने वाली है और भयंकर वाला यार ये, मुझे ये लग रहा है कैसे टिकूंगा मैं इसमें। आ जाओ आ जाओ, अभी चले 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 चले, अरे भाई हड्डी तोड़ दे, आएगा मजा, अब आएगा, अब मेरे को करेगा देखना, खत्म खत्म, मुझे करेगा, ताकत कर रखा हो। भाई 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 भाई।
भाई इसी सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भाई हमने सारे झूले ले लिए बच्चों के लिए, ऐसे जगह जगह पे कुछ कुछ बने हुए हैं बच्चों के लिए हैं, हम नहीं जा सकते। अभी सारा कहाँ हुआ भाई, भी बाकी है? अरे बाकी है मगर कुछ बहुत खतरनाक है यार, जो गोल एकदम गोल गोल है भाई। उल्टियाँ फेंक दो, आज मूड बना के आया हूँ उल्टी करना है यार, करवा दो कम से कम उल्टी करवा दो भाई, मुझको आज उल्टी करवा दो। मेरे को अभी से चक्कर आ रहे हैं भाई, बहुत गोल गोल घुमाया इसने। बाकी मजा आया इसमें, बहुत हंसी आ रही थी। कहाँ घंटा हंसी आ रही थी, ये जबरदस्ती नहीं हंस रहे थे वो बात अलग है। हंसी आई थी, तुम फालतू हंस रहे थे। तो दोस्तों आप चल रहे हैं क्लाइंबिंग करने के लिए, भाई यहाँ का सबसे एडवेंचरस मुझे ये भी लग रहा है, क्लाइंबिंग करने का अलग ही मजा है। लो भाई आप क्लाइंबिंग करने वाले हैं, इनके बस की नहीं है भाई, लो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो जो देखना है कितना बाजुओं में दम है। अरे 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 लो भाई पंडित जी तैयार हो चुके हैं और करने वाले हैं क्लाइंबिंग, देखते हैं कितना दम है इनके अंदर। अभी देखो प्रांजल भाई सिर्फ यहीं से वापस आ गया था और ये कह रहे हैं मैं पूरा चढ़ जाऊंगा ऊपर तक, क्यों पंडित जी क्या कहते हो, जाओगे? देखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आधे से भी ज़्यादा जा पाएंगे, और देखते हैं कल पाकिस्तान अपना होगा। चढ़ाई कर रहे हैं ये, वो पंडित जी चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, बड़ी तेजी के साथ बड़े जोश के साथ, पूरा जोश दिखा दिया इन्होंने, मैन फोर्स की गोली खाई है। ओ पंडित जी कौन सी गोली खा के आए हो? ओ भाई पीक पे पहुंच गया भाई अपना, 95%, ओ 100% हो गया, तालियां। तो भाई अभी क्लाइंबिंग करके आए, हालत ख़राब है, जितना मैक्सिमम हो सकता था हमने सारे झूले ले लिए, शायद एक आध हमने छोड़ा है, बाकी यहाँ पे मैक्सिमम हाँ छोटे मोटे छोड़े हैं, बाकी यहाँ पे बंद भी रहता है, काफ़ी सारे झूले बंद थे, बड़े वाले सारे कर लिए हमने। तो भाई झूले यहाँ बहुत हैं मगर मैक्सिमम 50% से ज़्यादा बंद थे आज, वो शायद वीकडे पे खुलता होगा ना, हाँ हो सकता है वीकेंड्स पे खोलते हों मगर कुछ ख़राब भी हैं, तो अंदाज़ा लगा के आना कि इसी के आसपास झूले आपको करने को मिलने वाले हैं। और बहुत मज़ा आया, मज़ा तो आया भाई, फिर भी हमने लगभग थे जितने सारे करके दिखा दिए, मज़ा तो आया, बड़े वाले सारे कर लिए। क्या कहते हो पंडित जी, दिन ठीक था? दिन ठीक था, बस तुम थोड़ा सा उल्टी वाली पन्नी इनकी काम नहीं आई, वो उल्टी वाली पन्नी काम नहीं आई, उल्टी वाली पन्नी में कपड़े भीग गए, चड्डी लेके जाऊंगा घर। अब इसके बाद चलने वाले हैं, अगला ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा स्नो रोहिणी का, क्या कहते हैं स्नो पार्क जो भी है, स्नो पार्क रोहिणी का आपको अगला ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मजेदार धमाकेदार ब्लॉग्स आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, ऐसे ही बाय बाय। तो दोस्तों एडवेंचर आइलैंड में आपको एक झील मिलती है, काफ़ी बड़ी झील है देख लो, और शाम के टाइम पे यहाँ पे फोटोज़ खिंचवाओगे तो वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे एक आईफिल टावर है, एक पूल है, और सामने आपको रनवे बन करके एक रेस्टोरेंट जहाज वाला मिल जाता है, वहाँ भी जा सकते हो, वो एक अलग पार्ट है, उसके अलग चार्जेस लगते हैं। और ये देखो इसके अंदर लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, देखो सुंदर सुंदर लोग हैं। तो ये भाई यहाँ जो झील है इसके चार्जेस अलग हैं, इसके अंदर जो बोटिंग करने के, और सामने आपको जॉर्बिंग दिख रहा है ना, वो क्या जॉर्बिंग कहते हैं भैया, जॉर्बेज उसका वाला आयरमैन वाला, हाँ जॉर्बेज चल दो घूम जाओ उसके अंदर घुस के भाई चलेंगे तो झील के अंदर गोल गोल घूमेगा, उसके अलग ही मजे हैं भाई, और उसका भी पेमेंट आपको अलग देना पड़ेगा, ये लगभग ये 100-100 रुपए के हैं। और इसके सामने ही स्नो वाला पार्क है, उसमें आपको कल वाले व्लॉग में दिखाने वाले हैं, वहाँ भी घुमाने वाले हैं। तो भाई अगर आप एडवेंचर आइलैंड घूमने आते हैं तो इसको मेट्रो वॉक कहा जाता है, इस जगह का नाम है मेट्रो वॉक। इस मेट्रो वॉक के अंदर में आपको बहुत सारी एक्टिविटी करने को मिलेंगी, फैमिली के साथ बच्चों के साथ घूमने वाली मस्त जगह है भाई, बाकी आप लोगों को दिखाई दिए क्या देख रहे हो भाई, तो चलिए मजा तो आया होगा आपको।